थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मेरे को ये बताओ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर वन आर टू आर थ्री, पहली चीज बताओ। अगर इसमें से आई करंट जा रहा होगा तो मैक्सिमम करंट कौन से रेजिस्टेंस में जा रहा है, मैक्सिमम करंट कौन से रेजिस्टेंस में जा रहा है? मैक्सिमम करंट, ध्यान से देखो एकदम अच्छी तरह से। अरे ऑप्टिक्स भी मैं करवाऊंगा लेकिन अभी मैं ये करवा रहा हूं, सब में से बराबर करंट जा रहा है। तुम्हें पता है एक पाइप है, जितना पानी अंदर जाएगा उतने इसके बाद उतने इसके अंदर उतने, तो जब भी सीरीज में हो, ये क्या है रेजिस्टेंस इन सीरीज में, जब भी सीरीज में होते हैं तो सारे रेजिस्टेंस के थ्रू क्या चीज सेम होता है, करंट इज सेम। और किसका डिस्कशन कर रहा हूं मैं, सीरीज डिस्कशन कर रहा हूं। जब रेजिस्टेंस इसमें लगे हो सीरीज में लगे, कई बार समझ में, कई बार समझ में, कई बार समझ में आगे, ठीक उसके बाद में अगर मैं ये मान के चलता हूं आर वन इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर थ्री, तो मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, आर वन के अक्रॉस, क्योंकि तुम्हें पता है वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आया, वी इक्वल टू आई है, तो वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, आर के अक्रॉस, ये बात समझ में, तो उसके थ्रू करंट आ जाएगा आपके पास हमेशा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर V इक्वल टू आई आर है तो सबके अंदर आई तो चीज सेम ही है, इट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू आर, आया ना, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट बात, यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें जनरेट होगी, एनर्जी 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 सबसे ज्यादा हीट किसमें जनरेट होगी, आर वन में, क्योंकि तुम्हें पता है पावर के फॉर्म में या तो आई स्क्वायर आर है या वी स्क्वायर बाय आर है या वी इंटू आई, ये बात समझ में, ये पावर के फॉर्मूले है, ये बता दिया था मैंने पावर के फॉर्मूले, पावर के फॉर्मूले बता दिए थे मैंने तुम्हें, या सर ने बता दिए थे तुम्हें पावर के फॉर्मूले, नहीं बताए कोई बात नहीं, भी बता दूंगा, ठीक है, तो नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, तो मैं पावर पर टाल सकता हूँ, ठीक है, ये लो पावर टाल दिए, तो ये दो चीजें तो पता चल गई। मैं छोटा सा तुम्हें पावर के बारे में ऐसे बता देता हूँ, जो वोल्ट है वी ओ एल टी किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है या पोटेंशियल की डिफरेंस है, वोल्ट बोलते हैं, आया ना, वो सब पढ़ा दो बच्चे का पुत्र सारा पढ़ा दो, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया, वोल्ट के बराबर। अब वोल्ट क्या होता है, एक्चुअली वोल्ट होता है जूल पर कूलम, क्या होता है जूल पर कूलम होता है, कई बार समझ में आएगी, कई बार समझ में आएगी,
तो अगर मैं कहता हूं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट है, तो अगर मान लो मतलब ये हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा तुम्हें पता है इधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 10 वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या है जूल पर कूलम, तो मैं इसको ऐसे तो बोल सकता हूं 10 जूल पर कूलम। और मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां से ना एक कूलम चार्ज पास करता हूं, कितना एक कूलम चार्ज, तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी हीट जनरेट होगी 10 जूल। अगर दो कूलम पास करूं तो, दो कूलम पास करूं तो, अरे दो कूलम पास करूं तो दो से टू कूलम से मल्टीप्लाई कर दो कूलम से, तो 20 जूल हो जाएगा। थ्री कूलम पास करूं तो, थ्री कूलम पास करूं तो, 10 कूलम पास करूं तो, 10 कूलम पास करूं तो। अब सुनो, अगर ये मान लो मैं इसके थ्रू 5 कूलम चार्ज पास करता हूं, कितना चार्ज पास करता हूं 5 कूलम चार्ज पास करता हूं, तो कितनी हीट बाहर निकलेगी इसमें से, कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी 5 कूलम पास करता हूं इसके अक्रॉस, तो कितनी हीट एनर्जी 50 जूल। और मैं कहता हूं ये जो 50 जूल है ये 5 सेकंड में निकली है, 50 जूल कितनी देर में निकली है 5 सेकंड में, तो पावर कितना हो गया, हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही थी 10 आया ना, कितना हो गया 10 हो गया। तो बेटा सिंपल चीज है, अब एक चीज समझना, तुम शायद समझ जाओगे। अब मैं ऐसे कह रहा हूं तो तुम्हें पता है एनर्जी कितनी आ गई, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू क्यू चार्ज जो इसके थ्रू पास हो रहा है, तो ये आ गई एनर्जी। एनर्जी को डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, तो ये चीज क्या आ जाएगी पावर। और क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है करंट, तो ये क्या है डेल्टा वी इनटू आई, तो ये क्या है पावर आया नहीं है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या पावर, क्या फॉर्मूला है डेल्टा वी इनटू आई। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया वी इनटू आई हो गया, पावर का क्या फॉर्मूला हो गया वी इनटू आई। फिर से बता दूंगा फॉरवर्ड टेक का सेम बात फिर से बता दूंगा, मैं कहता हूं वोल्ट को समझ लो, वोल्ट क्या चीज है, वोल्ट है एक्चुअली जूल पर कूलम, आया वोल्ट क्या चीज है जूल पर कूलम, फिर से बता रहा। अब मैं ये कहता हूं एनर्जी, एनर्जी किसके बराबर होगी जूल पर कूलम पर कूलम इनटू जितना चार्ज पास करोगे, मान लो तुमने पास किया 5 कूलम, तो देखो कूलम से कूलम कट जाएगा तो जूल ही आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई नहीं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो x कूलम चार्ज पास हो रहा है तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी, और मान लो वोल्टेज है y जूल पर कूलम, तो आप इसको क्या बोलोगे y वोल्ट बोलोगे, क्या बोलोगे y वोल्ट, जैसे 5 वोल्ट और चार्ज पास हो गया मान लो आपका 6 कूलम, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, वोल्ट को जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये बात समझ में आई सबको, नहीं आई बात समझ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये देखो अभी 5
वाई यू पर गुलाम वाले एक्स गुलाम है। तो मैं एक काम करता हूं इसके अंदर, ठीक है, कि गुलाम से गुलाम गायब हो जाएगा ना यार हमेशा, तो ये तो एनर्जी आ गई। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज, या इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये चीज क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी ना। तो पावर की यूनिट क्या आ गई, पावर क्या चीज हो गई, वी इंटू आई, वोल्टेज डिफरेंस इंटू आई। एक बार फिर से बता रहा हूं, पता नहीं तुम समझ के नहीं गए, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं मेरे को। एक बार बताओ, ये एक बॉक्स है, ध्यान से समझना, यहां पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं एक गुलाम, दो गुलाम चार्ज को इधर से इधर भेजूंगा, तो पहले मतलब मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज करेगा, ये बताओ। पहले दो गुलाम चार्ज को इधर से इधर भेजूंगा, देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, जीरो जूल होगी, और यहाँ पे कितनी होगी, 10 जूल होगी। तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे कम है, तो मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इधर से इधर भेजने के लिए, क्या ये बात समझ में। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को दो कूलम चार्ज इधर से इधर भेजना है, अब एनर्जी देनी पड़ेगी या किससे एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होगी, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आ रहा है, तो इससे एनर्जी रिलीज ही होनी चाहिए, क्या ये बात समझ आएगी अच्छी तरह से। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो तुम क्या करोगे, इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो तुमने डेल्टा वी कर दिया इनटू क्यू, तो क्यू कर दिया, तो ये आपके पास क्या चीज आई बेटा जी, एनर्जी आई है नहीं आया ना, एनर्जी आई है नहीं है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आई तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है, तो क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है, तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू पावर इक्वल टू डेल्टा वी इनटू आई। अभी भी नहीं बात समझे, अभी भी नहीं बात समझे, पक्का पक्का ये बात समझ में आ गई सबको। सरबजीत एक मिनट मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूं, पूछता हूं तुम्हें बात क्या नहीं समझ में, डाउट क्या है तुम्हारा, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ अब बोलो सरबजीत, बोलो सर। पावर से दोबारा रिपीट करना सर, पावर वाला फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। पावर क्या होता है पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आता पावर से, कुछ भी आइडिया बताओ, सही लीजिए मेरे को आंसर, सिर्फ जवाब जी से किस में कितनी ज्यादा दम है, दम है, तो एवा बता, दम से नहीं होता वो स्टैमिना है किसी का, उसकी स्ट्रेंथ है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड पावर, भाषण में आएंगे नहीं है? हेलो सरबजीत। यस सर। हाँ मैं ऐसे कह रहा हूं, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, बात समझ में आई, यानी यही बात समझे सर आ गई। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो एनर्जी किसके बराबर है, डेल्टा वी इनटू क्यू, ये बात तो समझ में आई गई होगी। यस सर। फिर मैंने क्या किया, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दिया, इधर भी इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज तो पावर बन गई। यस सर। यस सर। अब चार्ज डिवाइडेड, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट होता है, तो डेल्टा वी इनटू आई, डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस,
क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर आ गई समझ। ठीक है, अब किसको नहीं यही बात समझ में हो बताओ भाई, और बताओ पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है भाई? वॉट। बिल्कुल वही वॉट। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वॉट। और ये क्या चीज है? एक्चुअली जूल पर सेकंड। तो अगर मैं कहूं हमारे घर में मान लो एक बल्ब लगा हुआ है जिसके पावर है 100 वॉट, 100 वॉट एक बल्ब है। ठीक है, कितने का है? 100 वॉट का। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे? एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उससे? 100 जूल। और एक मिनट में? एक मिनट में? एक मिनट में? एक मिनट में 6000 जूल। पकड़े बात बताऊंगा तुम्हें कितनी? 6000 जूल। ठीक है, और एक आर में? एक आर में 1 आर में। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, चलो ये बात में बताता हूं मैं, थोड़े पावर के बारे में बात करते हैं, है ना? पावर ग्रिड अच्छा टॉपिक लग रहा है। तो तुम्हें पावर का ये पता चल गया 1 जूल पर सेकेंड मीन्स 1 वॉट। और मैं कहता हूं हमारे घर में एक बल्ब है दैट इज इक्वल टू 100 वॉट का, इसे कितनी एनर्जी निकल रही है एक सेकेंड के अंदर? एक सेकेंड के अंदर निकल रही है 100 जूल। एक सेकेंड के अंदर, तो अगर मैं बोलूं एक मिनट में दैट इज 60 सेकेंड्स में इतनी निकलती है, और एक आर में कितनी निकलती है? कितने सेकेंड होते हैं 1 आर में? आया ना इतनी जूल। एक आर में इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, कई बार समझ आ गई? एक आर में इतनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब मैं एक चीज सर्च कर रहा हूं एक मिनट, कि वैष्णो देवी जो पहाड़ है ना उसकी हाइट कितनी है? हाइट ऑफ भवन। एक मिनट में तो सर्च करने दो। यार ये तो होली केव की बताने लग गया। एक 12 किलोमीटर का ट्रैक है, अच्छा इट इज अराउंड 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर के आसपास है उसकी हाइट सी लेवल से। ठीक है, वो सी लेवल से है लेकिन जहां से हम चलना शुरू करते हैं ना वो करीब है, बिल्कुल वो करीब है 500 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेता हूं यार गड़बड़ ना हो जाए। 1500 मीटर बिल्कुल सही है। अब मैं देखता हूं 1500 मीटर है, 1500 मीटर मैं आपका वजन मान लेता हूं, एवरेज वजन मान लेता हूं, आपका मान लो 60 kg। और अगर मान लो आप जमीन से लेके अगर ऊपर, बेटा 12 किलोमीटर लेंथ है, मैं हाइट की बात कर रहा हूं,
किसकी बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं मैं, क्या हाइट कितनी ऊपर थी, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल 60 इनटू जी इनटू एच, ठीक है। आप इतनी एनर्जी खर्च करो, दैट इज आपकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बड़ी, तो 1590 आया ना, 90, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 आया ना। इट मींस आप इतनी एनर्जी खर्च करके ऊपर चढ़ गए, आप इतनी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, आपकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? अगर एक चीज देखो, आप इतनी एनर्जी खर्च किया आपने, एक बल्ब अगर 1 आवर के लिए चलता तो इतनी एनर्जी खर्च करता है। इट मींस अगर 3 आवर्स के लिए बल्ब चलेगा तो लगभग लगभग 3 आवर्स भी छोड़ दो, 2.5 आवर्स चलेगा तो लगभग लगभग दोनों एनर्जी बराबर हो जाती है ना। क्या बात समझ में आई? और अभी मैं इस बारे में बात करूंगा कि हम इतनी बिजली के लिए पैसा कितना पे कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली पैसा मैटर करता है कि कितना पे कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। तो अभी मेरे को ये पता है कि वैष्णो देवी की हाइट पे जाने के लिए आपको जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दैट इज 9 लाख जूल्स, 9 लाख जूल्स इतनी एनर्जी, ठीक है। आप सुनो, घर में आपके जो बिजली का बिल आता है ना, घर में जो आपको बिजली का बिल आता है तो घर वाले बोलते ना यार कितनी यूनिट आई है, आया ना, बोलते ना कि कितनी यूनिट आई है, तो उस एक यूनिट का मतलब क्या है? वो जो यूनिट है ना वो होती है किलोवाट आवर, जो वन जो ट्रेड यूनिट है, दैट इज जो आप यूनिट यूज करते हो, ठीक है। कमर्शियल जो यूनिट आपको बोलते हैं ना वन यूनिट, तो वो यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये आ गई आपकी वन यूनिट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेड यूनिट वही है, ठीक है। अगर देखते हैं ये चीज कितने जूल के बराबर है, 1 किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 10 की पावर होती है, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, और एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं। अब देखो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, क्या बचा, सिर्फ जूल बचा, कितना जूल बचा, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इतनी जूल को हम बोलते हैं वन यूनिट, इतनी जूल को हम वन यूनिट बोलते हैं। कई बात समझ में, कितनी हो गई, दैट इज 36 लाख यूनिट्स, That is 36 लाख जूल को हम एक यूनिट बोलते हैं। और हमारे घर में एक इतनी एनर्जी खर्च करने पे कितने पैसे लगते हैं, जम्मू में क्या है बिजली की रेट, एक यूनिट के कितने पैसे लगते हैं, एक यूनिट के कितने पैसे हैं भाई, एक यूनिट के 600 रुपए, दिमाग खराब हो गया, 3-4 रुपए, 3 या 4 रुपए है जम्मू के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ पे 8 रुपए, जम्मू में बिजली सस्ती है, अगर मैं 4 रुपए भी मांगू तो आप इतनी एनर्जी के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हो, ओनली 4 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा मान लो 5 रुपीज, 5 रुपए दे रहे हो आप इतनी एनर्जी के, है ना। और ये बताए एनर्जी किसके बराबर है, ये एनर्जी है वैष्णो देवी पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। आप 4 बार चढ़ जाओ, आया ना,
हाँ वो अलग बात है कि कुछ लोग फ्री में लेते हैं। मैं बोलूं वैष्णो देवी का जो पहाड़ है ना उस पे चढ़ने आप 9 लाख जूल एनर्जी खर्च करते हो, और मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपको एक यूनिट आप 4 बार चढ़ोगे ना वैष्णो देवी पहाड़ के ऊपर, तो आप एक यूनिट के बराबर एनर्जी खर्च करोगे, और एक यूनिट के बराबर एनर्जी खर्च करोगे तो इफेक्टिवली जितना बिजली का बिल पे कर रहे हो तो आपके हिसाब से 5 रुपए पे करने चाहिए मेरे को, अगर आपको कोई वैष्णो देवी पे 4 बार चढ़ाते हैं। और आप कहते हो कि बिजली महंगी है कहाँ महंगी है, कितनी सस्ती है, कितनी सारी जूल्स ऑफ एनर्जी आप 5 रुपए में खरीद रहे हो, कई बार समझ में आई नहीं, कई बार समझ में, कई बार समझ में। तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर ये बताओ मेरे को, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? जो एक यूनिट है ना जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या चीज है? कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की। कमर्शियल कमर्शियल मतलब पैसा भाई, इसी के टर्म्स में हम पैसे की साइड करते हैं, इसलिए इसको कमर्शियल बोलते हैं या ट्रेड यूनिट बोलते हैं, आया ना? बिल्कुल, सोलर पैनल से तो फ्री हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज वन कमर्शियल यूनिट? क्या ये बात समझ में आ गई? वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? बिल्कुल, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं 36 लैक्स, हाँ ना? या आप ये भी बोल सकते हो 3.6 × 10^6 जूल। तो ये बताओ 1 किलोवाट आवर ये पावर की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है? ये पावर की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है? 1 किलोवाट आवर पावर की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है? एनर्जी की है बेटा, किलोवाट। ये तो हो गया जूल टाइम, और आर से मल्टीप्लाई करते हो वो भी टाइम ही है, तो टाइम से टाइम ज्यादा हो गया तो क्या बचा? जूल ही बचा, आया ना? ऐसा तो नहीं है कि आप घर में 10 बल्ब एक साथ जलाते हो या एक एक बल्ब एक साथ चलाते हो, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। आपको तो एनर्जी खर्च करनी है कि कितनी एनर्जी, आप धीरे धीरे खर्च करो या एकदम से खर्च करो, पैसा बराबर ही लगना आपका। कई बात समझ में आई या नहीं? भी ट्रेड यूनिट का भी पावर तो हो ही नहीं सकती, पावर होती तो फिर क्या करते, घर में एक ही बल्ब जलाते, फिर उसको बंद कर देते, फिर दूसरा जलाते, क्योंकि फिर तो ये लॉजिक हो जाता ना कि 10 एक साथ जलाओगे तो पावर बढ़ गई ना, तो आप पावर के थोड़ी पैसे दे रहे हो, आप तो एनर्जी के पैसे दे रहे हो। कई बात समझ में आ गई? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या वन कमर्शियल यूनिट या ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो ट्रेड यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलो वॉट आवर। आराम से लिख लो इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलो वॉट आवर। किलो का मतलब 10^3, वॉट का मतलब वॉट, और इनटू आवर पावर इनटू टाइम, वॉट इज पावर इनटू टाइम, पावर इंटू टाइम हमें क्या देगा? पावर इंटू टाइम क्या देगा? एनर्जी देगा। तुम्हें पता ही है पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर इंटू टाइम ये चीज क्या दे देगी? एनर्जी दे देगी। कई बात समझ में आ गई? कई बात समझ में आ गई? कई बात समझ में आ गई? तो लिख लो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो भी लिखना है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पहली बात तो ये है। और ये क्या बता रहा है? एक यूनिट का मतलब है आप 36 लाख जूल एनर्जी खर्च कर देते तो एक यूनिट आती है 4 रुपए देते, और आपके घर में आप सोचो 1 महीने की 500, 600, 800 यूनिट भी आ जाती है। इसीलिए कहते हैं भैया एनर्जी की वैल्यू बोलो। क्या बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई? सबको पता चल गया कि एनर्जी की वैल्यू क्यों करनी चाहिए?
रियल रिया बेटा तो मेरे को एक चीज बताओ एक 100 वाट के बल्ब को 100 वाट बल्ब लगातार कितनी देर जलाऊं लगभग लगभग कितने आज के लिए जलाऊं ताकि एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाए एक बल्ब को कितनी देर के जलाने से एक इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट आ जाएगी क्या कहा मैंने एक बल्ब को एक बल्ब 100 वाट का कितनी देर के लिए जलाऊंगी एक यूनिट आ जाएगी सॉल्व करके बताओ 1 आवर के लिए यूनिट्स बेटा एक यूनिट आ जाए ढंग से देख लो अच्छी तरह से 1 घंटे के अंदर एक यूनिट आने लगे फिर तो बस हो जाएगा काम सबका बिल्कुल सही बात है अकुल बिल्कुल सही बोल रहे 10 आवर्स के लिए बिल्कुल क्यों नहीं आएगा ये चीज बताओ तुमने कहा 36 लाख जूल मीन्स 1 यूनिट 100 वाट का बल्ब है एक आदमी कितनी इलेक्ट्रिक खर्च करेगा 3600 × 100 तो ये कितना हो गया 360,000 आपको कितनी खर्च करनी है 36 लाख आया ना तो ये तो 1 आवर के लिए है ना 1 आवर में इतनी हो रही है तो 36 लाख कितनी देर में होगी 10 आवर्स में तो 10 आवर्स में अगर कर दोगे तो कितनी हो जाएगी मेरी बात समझ गए हो गया तुम आया ना तो 36 लाख आ जाएगा ना फिर इसका मतलब एक बल्ब जो 100 वाट का है अगर वो 10 आवर्स के लिए जलेगा तो 1 यूनिट देगा घर में जो मीटर लगा हो वो 1 यूनिट बिजली दे देगा आया ना क्या बात समझ में आ गई अभी भी नहीं आई बात समझ मधुर गुरमीत अभी भी नहीं आई बात समझ में आनी थी तो ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा आया ना अब मेरे को एक बार बताओ 200 वाट का बल्ब है 200 वाट का बल्ब है 200 वाट का बल्ब जो होगा वो कितनी आवर्स में एक यूनिट निकाल देगा 5 आवर्स में आया ना सही बात है एकदम 500 वाट का चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं 1 मिनट धीरे धीरे बढ़ते हैं आराम से बिल्कुल सही बात है 2 आवर्स में आया ना 1000 वाट का हजार वाट का एक आर्मी निकाल देगा सही बात समझ आई नहीं जो घर में एसी लगाता है उसका पावर कितना होता है घर में जो एसी लगाता है उसका पावर कितना होता है
एक टन का एसी कोई 1500 वॉट का होता है, जो एक टन का एसी ना एक टन का, और डेढ़ टन का एसी कोई 2000 वॉट का होता है। डेढ़ टन का एसी कितने वॉट का होता है? कोई 2000 वॉट का। हाँ यार, क्या मेरे पास समझ में है तुम्हें? दो डेढ़ टन का एसी कितने वॉट का होता है? कोई 2000 वॉट का होता है डेढ़ टन का। बात समझ में है? तो अगर वो 2000 वॉट का एसी है, वो कितनी देर में एक यूनिट निकालेगा इलेक्ट्रिसिटी की? बिल्कुल 30 मिनट में निकाल देगा। आया ना, 30 मिनट में, या बिल्कुल 30 मिनट में निकाल देगा। आया ना, हाफ एन आवर के अंदर निकाल देगा, दैट इज 30 मिनट्स। बिल्कुल सही बात है। क्या रियली में डेढ़ टन ऐसे आधे घंटे में आपको लगता है कि एक यूनिट निकाल देता होगा बिजली की? ऐसे लगता आपको? नहीं लगता। वो पता क्यों नहीं लगता? क्योंकि पूरे आधे घंटे तक है ना कंप्रेसर ऑन नहीं करता। वो जो है ना 2000, वो उस टाइम पे जब उसका कंप्रेसर ऑन होता है, तो आपको पता होगा कि कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है। कई बार समझ में ये नहीं है, कई बार समझ में कि कंप्रेसर क्या होता रहता है? ऑन ऑफ होता रहता है। तो कोई जो 2000 यूनिट है ना, दैट इज इट्स पीक पावर। जनरली किसी की भी पावर दी जाती है वो पीक पावर दी जाती है, उसकी एवरेज पावर कंजप्शन नहीं दी जाती। क्या मेरे पास समझ में आई तुम्हें? क्या मेरे पास समझ में आई तुम्हें? ठीक है, इसलिए करीब कुछ डेढ़ टन का एसी है ना, वो करीब 55 या 1 आर के आसपास एक यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि लगातार इतनी देर तक उसके अंदर चलेगा ही थी। क्या मेरे पास समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? कैसी लग रही है बात? इंटरेस्टिंग है या नहीं है? ये बताओ, ये बात इंटरेस्टिंग लगती है, इंटरेस्टिंग है या नहीं? देखो, हम गर्मी चीजों को कंज्यूम करने में पता तो होना चाहिए ना कि भैया कितनी यूनिट है, कितने पैसे पे कर रहे हैं। इट मींस एक घंटे एसी चलाने के लिए आप ₹3 कंप्रेसर होता है कि जैसे तुम ऑन करते हो एकदम ठंडी ठंडी हवा का बात है, एसी स्टार्ट होने के करीब 2 मिनट बाद में, अगर आप टर्बो ऑन ना करो तो। आया ना, अगर टर्बो ऑन ना करो तो कोई 2 मिनट बाद में कंप्रेसर ऑन होता है। अरे वाह, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, एकदम समझ में आ गई तुम्हें बात। ठीक है, क्या बात समझ में? तो आज के बाद में जब भी तुम कोई भी चीज खरीदते हो, और अगर तुम उसकी पावर रेटिंग देखोगे, क्या देखोगे? उसकी पावर रेटिंग देखोगे, तो तुम फटाफट समझ जाओगे इसको एक घंटे के लिए चलाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। कई बात समझ में आई? कई बात समझ में? आजकल तो तुम्हें पता है कि एलईडी आने लग गई, और 20-20 वॉट की एलईडी भी खूब अच्छी रोशनी कर देती है। हाँ या ना, 20-20 वॉट की जो एलईडी होती है वो भी काफी रोशनी कर देती है ना। तो आप सोचो कि 20 वॉट की जो एलईडी है वो कितने आर से लेगी, बिल्कुल कितने आर से लेगी एक यूनिट निकालने के लिए? आया ना, कहां 10 आर्स और कहां 50 आर्स। ट्यूबलाइट की जो वॉटेज होती है वो करीब 40 वॉट की होती है, 40, 40, जो पुराने वाली टाइप की आती थी, अब तो 20 वॉट की भी आती है, 40 वॉट की आती है, दैट इज करीब 25 आर्स के अंदर ट्यूबलाइट एक यूनिट निकाल देती। क्या बात समझ में आई सबको अच्छी तरह से? ठीक है, घर में हम मोटर लगा के रखते हैं, काश एक वाट की आती। अरे इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, इतना पैसा कमाओगे कहां खर्च करोगे? इतनी सस्ती तो बिजली है ही पहले से,
और फिर जो तार उड़ा होता तो बात ही अलग एकदम। हाँ ठीक है, घर में जो हम मोटर लेकर आते हैं जिससे हम पानी ऊपर चढ़ाते हैं, हाँ या ना, एवरेज टाइम मानो ये बात समझ में नहीं है, व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप बल्ब एक्सेट्रा, ये बात नहीं समझ में मानो मेरे। घर में जो हम मैंने क्या कहा, एक यूनिट होती है तो मैं सुना होगा हॉर्स पावर, नाम देना हॉर्स पावर, सुना है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? सही बात है, 1046 किलोवाट न्यूटन होता है, 1046 वाट होता है, 1046 वाट, आया ना? तो मेरे को एक बार बताओ, 1046 वाट है तो जो करीब 1.5 वाट, 1.5 हॉर्स पावर के मोटर लेकर आते घर में, कितने की? 1.5 हॉर्स पावर की, जिसे पानी में ऊपर चढ़ाते टैंक के अंदर, ठीक है, वो 1.5 हॉर्स पावर की आती है, तो लगभग वो कितने वाट की हो गई? लगभग वो कितने वाट की हो गई है? 1.5 हॉर्स पावर का मतलब, लगभग लगभग कितने वाट की हो गई है? 1.5 हॉर्स पावर की है बेटा। 1500 तो तब होता है जब 2 की होती है, आया ना? मैं 1100 वाट मान लू, कितना मान लू? 1100 वाट मान लू, तो 1 घंटे अगर उस मोटर को अगर तुम चलाओगे तो कितने कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अगर 1 आवर के लिए उस मोटर को चलाओगे लगभग कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको? लगभग लगभग कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या कितनी यूनिट आ जाएगी 1 आवर में? 1 आवर में कितनी यूनिट आ जाएगी? 1.1 यूनिट, बिल्कुल, या 1 यूनिट भी बोल सकते हो, आया ना? तो 3 रुपए 4 रुपए आपको खर्च करने पड़े, क्या आप इस बात की फील आई, क्या इस बात की फील आ रही है तुम्हें, आया ना? चलो मैं ना एक बार है ना अक्षत, अक्षत को अनम्यूट कर रहा हूँ, अक्षत तुम्हारा वीडियो भी ऑन कर रहा है, थोड़ी सी देर बात करनी है तुमसे, ठीक है अक्षत को, अक्षत यस अक्षत हाँ वीडियो ऑन करो यार, कर दिया वीडियो ऑन सर, यार, वीडियो ऑन तो कर दिया, पर तुम मेरे को दिखाई नहीं दिया, देख मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ना तेरे को, हाँ ये रहा अक्षत, हाँ अक्षत आप बताओ आज जो पढ़ाया होगी मैं समझ में आया अच्छी तरह से, आ गया सर। आ गया समझ में अच्छी तरह से? हाँ सर, चल ये बताओ, और स्कूल कौन सी बेटा तेरी? अच्छा सर्बानियन इंटरनेशनल। बेनिन इंटरनेशनल है, अक्षत 1 मिनट, अच्छा अभी जो पढ़ा रहे थे वो समझ में आया अच्छी तरह से? आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? हाँ सर, आ गया। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ये समझने में? नो सर, आया था समय सारा। स्कूल की क्लासें कैसी चल रही है तुम्हारी? कितने सर ठीक चल रही है। अभी बजे से कितने बजे तक होती है? तो सर हमें मतलब समर वेकेशन पड़ी हुई है, अच्छा तो ऐसे तो होती है 8:30 से लेकर मतलब 12 तक।